कभी ऐसा हुआ है कि आपके किसी जिगरी दोस्त ने आपसे फाइनेंशियल हेल्प मांगी हो इन एन इमरजेंसी एंड आपने देते वक्त कहा रिटर्न की चिंता मत करना, जब सब स्टेबल हो जाए तब देना शुरू करना। ये जो यहाँ कुछ समय का गैप दिया था वैसे बैंक्स भी देते हैं, इन सम केसेस सेइंग कि लोन आज लो एंड ईएमआई बाद में शुरू करना। इसे मोरेटोरियम कहते हैं। ये क्या है और कैसे मिलता है जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। लोन मोरेटोरियम पीरियड मतलब वो ब्रेक टाइम दैट ईदर डिलेज द बिगिनिंग ऑफ योर ईएमआईज और दैट लेट्स यू टेक अ ब्रेक फ्रॉम एग्जिस्टिंग ईएमआई पेमेंट्स। ये मोरेटोरियम पीरियड दो तरीके से दिया जा सकता है, या तो लोन टेन्योर की शुरुआत में या तो टेन्योर के बीच में। हाउएवर ये मिड टेन्योर वाली सिचुएशन क्राइसिस में ही आ सकती है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है द पैंडमिक सिचुएशन। 2020 के पैंडमिक में काफी लोगों के कैश फ्लोज इफेक्ट हुए थे। सो आरबीआई सेड कि जिस जिस के इंस्टॉलमेंट्स मार्च 2020 से अगस्त 2020 के बीच ड्यू हो उसे 2 साल तक का मोरेटोरियम मिल सकता है। फॉर नाउ द स्कीम इज क्लोज्ड, लेकिन इसे क्राइसिस के टाइम अक्सर री इंट्रोड्यूस किया जाता है। दिस मोरेटोरियम पीरियड इज प्रिटी कॉमन फॉर होम लोन्स एंड एजुकेशन लोन्स। मोरेटोरियम पीरियड के फायदे ये है कि फाइनेंशियल क्राइसिस में बड़ी हेल्प मिलती है, क्रेडिट स्कोर इज नॉट इम्पैक्टेड एंड बेटर रीपेमेंट स्ट्रेटजी बनाने का टाइम मिलता है। पर इन सारे फायदों के बाद भी एक बात याद रखना जरूरी है, मोरेटोरियम इज नॉट अ फुल वेवर। ड्यूरिंग दिस टाइम लास्ट आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होते रहते हैं। तो सपोज कि ₹5 लाख के लोन में से यू रीपेड ₹3 लाख एंड सडन क्राइसिस की वजह से टुक 3 मंथ्स मोरेटोरियम, सो बचे ₹2 लाख पर 3 महीने के लिए इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होते जाएगा एंड देन व्हेन यू रिज्यूम ईएमआई आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट विल बी ₹2,20,000, अज्यूमिंग 3 महीने का इंटरेस्ट वॉज ₹20,000। इसीलिए मोरेटोरियम है तो बड़े काम की चीज, लेकिन इसको यूज करने से पहले इसके कॉन्सिक्वेंसेस एनालाइज करना भी जरूरी है। तो ऐसे ही टर्म्स को जानने के लिए सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड स्टे ट्यून्ड।